गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत शोर हो रहा है नीचे। आज है संडे, वैसे आज कुछ खास है नहीं करने को। और दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि आज करे क्या। तो सोचे कि आज व्लॉग बनाते हैं यार, काफी दिनों बाद। तो अभी बज रहे हैं 8:51 इन द मॉर्निंग। और चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। डैमन, बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग आउटसाइड। ये हेयर स्टाइल अगर नहा के बने तो कितना अच्छा होगा, पर नहीं। ओके, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स राइट नाउ। यप, तेज बारिश हो रही है। अंदर चलते हैं वरना भींग जाएंगे। एंड इट्स सैड, अगर दुनिया बदलना चाहते हो तो शुरुआत अपनी बेड से करो। सो 3, 2, 1 एंड नाउ दैट्स हाउ इट्स डन। सो अब बारी आती है बर्तनों की। सो आई गेस चुटकी बजाते ही बर्तन धो लेते हैं यार। डन, अब इसकी बारी है। सो 3, 2, 1। ओके, साफ। एंड जस्ट इन केस यू गाइज आर वंडरिंग, दिस इज दी ओरिजिनल माया, नॉट दी फेक वन। सो यप, दिस इज दी ओरिजिनल माया। नॉट टू एक्सपेंसिव अगर आप इसको होलसेल स्टोर से लो, बट अगर आप किसी रिटेल स्टोर या गिफ्ट शॉप से लेते हो देन इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1700 to 1800। बट देन अगर आप इसे होलसेल स्टोर से लेते हो तो 1000 रुपये के अंदर अंदर ये मिल जाएगा। सो दैट्स अ गुड पार्ट। मूविंग ऑन, एंड इट इज ऑल्सो सेड कि दिन एंड इट इज ऑल्सो सेड कि दिन की शुरुआत जो है वो गर्म पानी से होनी चाहिए। सो आज हम गर्म पानी बनाएंगे और आपको रेसिपी बताएंगे। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लेना है, फिर इसे उठाना है और इसे रखना है, और फिर इसमें डालना है पानी 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 पानी, और फिर आपको उठाना है ये लाइटर, धूम्रपान करने के लिए नहीं, गैस जलाने के लिए। तो आपको बस इतना करना है कि इसे ऑन करना है और गैस जलाना है, और गैस जलाने के बाद आपको इसे इस पर रख देना है। सी, काफी आसान रेसिपी। और उसके बाद आपको अपना बोतल भी थोड़ा सा भर लेना है,
इतना काफी है। और हाँ रब बस इंतजार करें, सो पानी हो गया है गरम और इसे हम डाल देंगे अपने बॉटलों में। और एक बार गर्माहट देख लेंगे, काफ़ी गर्म है। इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे एंड इट इज़ डन। सो एक सिंपल और आसान रेसिपी तैयार। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच रेसिपीज लोल। एंड इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू हैव वॉर्म वाटर अर्ली मॉर्निंग। खैर ये मॉर्निंग अर्ली नहीं है बट मॉर्निंग है, और मेरा तो अर्ली है क्योंकि मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। तो इट्स गुड टू हैव गरम पानी। इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं, और अगर किसी को फायदे के बारे में जानना है तो गूगल कर लो, आई एम नॉट अ डॉक्टर। थोड़ी स्ट्रेचिंग वेचिंग करते हैं यार, क्योंकि इट्स ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिस टू डू अर्ली मॉर्निंग। सो आई नीड टू फाइंड माई मोबाइल माउंट एंड माई ट्राईपॉड, माई गोरिल्ला पॉड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। सो अपन पुशअप्स मारेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ घर पे, और मैं जो भी करता हूँ मैं 15-15 के 3 सेट मारता हूँ। सो आई गेस होम वर्कआउट के लिए मेरे लिए उतना इनफ हो जाता है। बस इतना ही करता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ। एंड दैट मेक्स मी स्वेट लाइक क्रेजी। एंड अभी मैं स्वेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मौसम भी ठंडा है और पंखा भी चल रहा है। खैर आई डोंट नो हाउ दैट जस्टिफाइज। देन नहाते हैं यार, नहा वहा के मिलते हैं। सो सो 3, 2, 1। ओके सो नहाना कंप्लीट और नाश्ते का वक्त है, पर उससे पहले बालों के पीछे वक्त बर्बाद करने का वक्त है। सो डन, बाल ठीक ठाक से बन गए हैं। एंड यस आई एम नॉट व्लॉगिंग ऑन माई कैमरा, बिकॉज कैमरा काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है और उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। सो उसकी साफ़ सफाई करेंगे देन आई विल फिगर इट आउट कि उसे यूज़ करना है फॉर व्लॉगिंग या नहीं करना है। बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल यूजिंग दिस, बिकॉज मैंने कोई एडिशनल माइक नहीं लगाया इसमें। एंड प्लीज़ लेट मी नो ऑडियो क्वालिटी कैसी है। एंड ऑल्सो दिस इज़ टाइप सी, सो मेरे बोया के माइक्स इसमें आएंगे नहीं अनटिल एंड अनलेस आई गेट अ अडाप्टर फॉर दिस। सो टिल देन आई हैव नो ऑप्शंस, बस ऐसे ही शूट कर रहा हूँ। एंड दिस सेटअप इज़ मोर कम्फर्टेबल, दिस सेटअप इज़ मोर स्टेबलाइज्ड एंड कैमरा इज़ हैवी। सो आई हैव काइंड ऑफ बिकम लेजी कह सकते हैं। दिस इज़ बैचलर लाइफ एंड हम बैचलर्स कुछ भी बना के खा लेते हैं यार, मतलब कुछ भी।
ओके, पर आज हम कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे। इंडिया अमूल दूध पीता है इंडिया, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय अमूल, प्लीज स्पॉन्सर मी समवन। सिंपल सा कट, और फिर आपको जो करना है इस रेसिपी में वो ये है कि आपको बस एक सॉस पैन लेना है या पतीला लेना है और उसमें दूध को डाल देना है एंड कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डाले। एंड सम कॉन्टेक्स्ट, सो काफी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि जिंदगी में काफी कुछ चल रहा है एंड आई काइंड ऑफ बिकेम डीमोटिवेटेड। सो बहुत ही मुश्किल से हिम्मत जुटाया है एंड आज मैंने प्रण लिया है कि मैं फिर से व्लॉग करूँगा एंड आई डोंट नो हाउ इट विल एंड अप। सो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, बस फिलहाल तो यही होता है। Let's go, amigos. So, nashta for the day is basically मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मैं सुबह सुबह कुछ बनाने की मूड में वैसे भी नहीं होता हूँ। क्वाइट अ फ्यू टाइम मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ विच इज दिस एंड ये काफ़ी अच्छी बुक है। काफ़ी मतलब इसकी स्टोरी टेलिंग जिस तरीके से की गई है ना, इट्स अमेजिंग। ज़्यादा नहीं पढ़ा है मैंने, सिर्फ मैं अभी पेज 26 ख़त्म करने वाला हूँ। सो आई जस्ट मार्क कि कहाँ तक पढ़ा है बिकॉज आई एम वेरी बैड एट रिमेंबरिंग कि कहाँ तक पढ़ा है, चाहे वो स्कूल के टेक्स्ट बुक होते थे या कॉलेज के या ये। आज का मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया है। जब घर पे होते हैं मम्मी खाना बनाती है तो वी डोंट रियली रियलाइज इट बट कुकिंग टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम एंड अगर आप जल्दबाजी में बना रहे हो तो इट विल नॉट टेस्ट गुड एट ऑल। सो यू हैव टू हैव पेशेंस विद द फूड यू आर कुकिंग सो दैट वो अच्छा बने, दैट्स इट। ओके, सो ऑलमोस्ट एक बज गया है, लेट्स प्रिपेयर फॉर लंच। दाल चावल एंड सब्जी। एंड इससे रख देते हैं ऊपर।
लंच इज़ रेडी एंड ये मेरे दो टाइम का खाना बन गया है, लंच एंड डिनर। आई नो दिखने में थोड़ा सा मतलब कुछ खास नहीं है, बट इट्स डिलीशियस। टेस्ट करा मैंने, मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूँ। बट लंच करके मिलते हैं। तो लंच इज़ डन और अब पता नहीं क्या करना है, क्योंकि लाइकवाइज आज संडे। सो लेट्स सी, अगर मेरा फ्रेंड आएगा तो ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं आएगा तो ब्लॉग एंड करेंगे, बिकॉज अननेसेसरीली ये ब्लॉग लंबा खींचता रहेगा। कुछ पता नहीं क्यों रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख रहा था। मैं अभी देख रहा था FZX वर्सेस मेटियोर 350। मतलब क्या सेंस बनाता है ये दोनों। दे वर कंपेयरिंग अ मेटियोर 350 टू FZX एंड दे वर ड्रैग रेसिंग इट, विच मेड नो सेंस एट ऑल, बिकॉज देर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट। मशहूर कहावत है, ऑल वी कैन डू इज स्लीप राइट नाउ, बिकॉज मौसम अभी कहीं जाने वाला है भी नहीं, बिकॉज मेरे पास रेनकोट नहीं है। गुड इवनिंग गाइस। बॉस क्या सोया हूँ मैं। खैर आज बारिश ने सब प्लान बिगाड़ दिया। जो दोस्त आने वाला था वो नहीं आने वाला है, बिकॉज आज पूरे दिन बारिश हुई है। अब जाके बारिश बंद हुआ है थोड़ी देर पहले, एंड अभी शाम के 7 बज रहे हैं। आई डोंट नो कितने, या शाम के 7:22 हो रहे हैं। एंड ब्लॉग को आई गेस शॉर्ट रखते हैं। अभी आराम से चाय वाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, शाम इंजॉय करेंगे, बिकॉज मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। चाय 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 ले लो चाय। एंड ये रहा शाम का नज़ारा। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और व्हाट्स एवर रीज़न अगर अच्छा लगा तो लाइक करते जाना, कमेंट करते जाना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। टिल देन आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।